सब लोग सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन आज मैं अपने फेलियर्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी. फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स आई डिड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स स्टेज, और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए. पर तब अपने आप को संभाल लेना इज वॉट हेल्प्ड मी. तब थ्री प्रिंसिपल्स पे वर्क करना, फर्स्ट इज ह्यूमिलिटी. अपनी गलतियाँ ढूंढते रहें, आप जिस भी फील्ड में हैं, वेदर इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप दीज डेज या एमबीए के बाद प्लेसमेंट्स है या सिविल सर्विसेज है, अपनी गलतियों को ज़रूर ढूंढें और कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहें. आई स्टार्ट वो एक प्रिलिम्स के क्वेश्चन पेपर के साथ मैं लगातार हर रोज़ एक साल तक बैठी हूँ और रोज़ नई गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की है. जब गलतियाँ ढूंढेंगे तभी सुधार पाएंगे. दैट इज़ वाई ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कंसिस्टेंसी. नो मैटर वॉट द रिज़ल्ट, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, अगर आपका गोल फिक्स्ड है, मुझे ये पता था कि तीसरा अटेम्प्ट मुझे देना ही है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग एंड नॉट डूइंग इट एंड सेइंग कि मेरा मन नहीं कर रहा, सो मेनी फेलियर्स. मूव ऑन, इट्स ओके आपको बुरा लग रहा है, बट डोंट सिट उस फीलिंग के साथ, आगे बढ़ जाइए प्लीज़. तो सेकेंड इज़ दैट कंसिस्टेंसी. वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स, सबकी फैमिली में होते हैं, सबके पर्सनल सर्कल में होते हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट अगर आप 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. थर्ड प्रिंसिपल इज़ द डिसिप्लिन. आई थिंक मैं एक आर्म्ड फोर्सेस फैमिली से आ रही थी, तो ये एक स्किल था जो मैंने बहुत जल्दी लाइफ में सीख लिया था. एंड इसका मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप पूरे मन से करें. अगर अभी मेरा ब्रेक है सो आई शुड नॉट वरी कि मैं पढ़ूँ, मेरी पढ़ाई मिस हो रही है. ब्रेक है तो ब्रेक है, और पढ़ाई है तो कम्प्लीटली फोकस ऑन पढ़ाई. इट शुड नॉट बी कि आप साथ में मतलब लेक्चर्स देखते देखते साइड में यूट्यूब चल रहा है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो गई. जब जो काम कर रहे हैं आप अपना 100% दें. स्कूल में भी इस स्किल से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मैंने नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेला है एंड साथ साथ मैंने अपने बोर्ड्स एग्जाम भी दिए. आई प्लेड द सुब्रोतो कप इन 2012 जब वो लड़कियों के लिए पहली बार हुआ था. पर ये बैलेंस तभी हो पाया बोर्ड्स के पहले क्योंकि जब खेलने का टाइम था तो फुल फोकस वहाँ था, लेकिन जब पढ़ने का टाइम था घर आके तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं कर रहा या आई एम टायर्ड. इफ देर इज एन एग्जाम यू हैव टू स्टडी. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन.